चालीस वर्षों तक अपराजेय विजेता बतलाने वाले आखिर मैदान में, जीत का आशीर्वाद देने वाले खुद मैदान में और सामने जिनको मिला आशीष। नमस्कार, समाचार विस्तार से। आने वाले समय में 40 वर्षों तक लगभग इस सीट पर राहुल सिंह ही विधायक रहेंगे। युवा हैं, उत्साही हैं, कर्मठ हैं और इनको मेरा आशीष है। क्या यह सब कहा था गत 2018 में तत्कालीन अध्यक्ष कांग्रेस के अजय टंडन ने राहुल सिंह को आशीष दिया था और उनका आशीष काम भी किया। अब वह श्राप दे रही है। आशीष देते समय उन्होंने स्पष्ट रूप से राहुल सिंह को उत्साही कार्यकर्ता, युवा, कर्मठ, बेदाग छवि का बतलाया था और कहा था आने वाले 40 वर्षों तक ये लगातार पीजी होते रहेंगे। जो बयान इस समय चर्चाओं में बना हुआ है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। बहुत समय से हम तो पहले से कहता रहे कि राहुल अजीत है, राहुल देहात के रहने वालू लड़का, अभी 2-5 साल में शहर में रहने लगी सुकाब है। हमें तो ये बात की खुशी है कि इनको शहर को रंग नहीं चढ़ पाओ तो ये चुनाव जीते। लेन पे तो राहुल सिंह रहे हैं और ये वजह से रहे हैं कि इनकी उम्र के तकाजा को देखत भाई जी, अभी 8-9 चुनाव वो लड़ सकते, 8 चुनाव लड़ सकते जी, 8×5=40 और 34 साल की है जी। अब मलैया जी की उम्र के हो गए 74 के, तो मलैया जी की और जी अब तो जब तक रहे जब तक खुद ही नहीं। तो सुना आपने, यह वह बयान है जो उस समय चर्चाओं में बना हुआ है कि जब तत्कालीन अध्यक्ष ने राहुल सिंह को आशीर्वाद दिया था, कांग्रेस के प्रत्याशी को आशीर्वाद दिया था। अब वही प्रत्याशी जो कांग्रेस से कभी प्रत्याशी हुआ करता था, वह भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है और सामने उनके सामने वही आशीष देने वाले सामने अब मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अजय टंडन अब मैदान में हैं कांग्रेस की टिकट से और सामने भारतीय जनता पार्टी से राहुल सिंह, दोनों के बीच अब मुकाबला होने जा रहा है। दोनों दल अपने अपने तरीके से जोर आजमाइश कर रहे हैं, जल के बीच पहुंच रहे हैं, बयान जारी हो रहे हैं, रणनीति बनाई जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।